तुम्हारा यूट्यूब चैनल आप ब्लॉग्स। तो कैसे आप, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम आए हैं चर्च, कहाँ पे, सरदना। तो अभी हम बुआ के आए थे, बुआ जी हमें लेकर आए हैं चर्च। तो ठीक है, तो मैं अभी बहुत सुंदर है, मैं अभी अभी दिखाऊंगा। और मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं और बुआ जी भी है, ये देखो। ठीक है, तो बाकी अब देखो व्यू दिखाने वाला हूँ मैं, बहुत अच्छा। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगेगा। तो भाई लोग कैसे हो, रेडी हो आप लोग? हम सब रेडी है। हाय, आई एम रेडी। चलो दिखाते हैं, अभी अंदर शायद अलाउ नहीं है, फिर बार बार से जो भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ऑलरेडी पहली सी रील्स बन रही है। और इधर देखिए, ये देखो शिशु प्रभु ईसा के जो ये बने, तो कितना अच्छी सुंदर बना रखी, डेकोरेशन कर रखी, मतलब ये डिजाइन बनाया गया है, बहुत अच्छा डिजाइन बना रखा है, कलाकारी बहुत अच्छी है। ये देखो, तो चल रहे हैं। देखिए इधर यहाँ पर रील्स बन रही है, अभी इधर लोग रील्स बना रहे हैं। तो भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखो मेरे भाई आ रहे हो, देखो एकदम वॉक करते हुए। तो देखिए चश्मा वश्मा लगा के एकदम बिंदास। सरदना का बहुत पुराना चर्च है। अच्छा, सरदना का? हाँ, ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। अच्छा जी, अच्छा जी। और कुछ बताओ इनके बारे में। ये बेगम समरू की याद में बनवाया गया है। बेगम समरू ने अपने हस्बैंड की याद में बनवाया था। ओके, तो आपने सुना भी भैया ने क्या बताया, बिल्कुल बेगम शाह, बेगम शाह, चलो बहुत अच्छा। देखो और देखो कामदेव कितना अच्छा व्यू है, जैसा एकदम जो होता है ताजमहल इस तरह का व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है यार। तो अभी हम चाह रहे हैं सीधा अंदर, और अंदर जाके थोड़े से दर्शन करेंगे। तो फिलहाल अभी सारे भाई लोग और मेरी बुआ जी चल रहे हैं, मजा आ रहा है, यानी कि काफी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है सच बताऊं। ठीक है, तो सामने ही हमारे एक स्टैचू है ईसा मसीह की, तो मैं वो दिखाता हूँ, देखो कितनी बड़ी है ईसा मसीह। यहाँ वो फोटो शूट हो रही है, हर दो लोग फोटो शूट कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है। ठीक है, तो देखिए आप। अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, देखिए आगे सामने देखो स्टैचू बनी हुई है यीशु की, ईसा मसीह है ना। तो इधर देखो भाई लोग हम अंदर जा रहे हैं हमने। ठीक है, अभी एंट्री फीस है ना। हाँ। एंट्री फीस भी है यहाँ पर 5 रुपये ओनली। तो आप आइए और यहाँ पर टिकट सामने, टिकट घर सामने हो रहा, और 5 रुपये टिकट लेकर आप जा सकते हैं। और सामने देखो भैया, अगर कैमरा मैन आपको चाहिए सामने भैया कैमरे में फोटो खिंचवा सकते हो। ठीक है, पैसे लेंगे ये भी, पर फ्री में तो करेंगे नहीं काम। और वैसे भी आज तो फ़ोन का जमाना है, आप तो फ़ोन में कर सकते हो आप देखो। ठीक है, तो ये देख हम अंदर देख के आ चुके हैं, और अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो अब हम आ चुके हैं, जूते वूते पहन रहे हैं और फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनका जन्म इटली में हुआ था और इनकी मृत्यु सरदना में हुई थी। देखो यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, कितना सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना अच्छा व्यू लाजवाब। और इधर देखिए आप रील्स वील्स बना सकते हो, अंदर तो बना नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ बाहर आप बहुत अच्छा व्यू है, और ये बैठने के लिए व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। और इधर देखिए आप, और क्या शानदार व्यू है यार, लोग रील्स बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है। और अंदर हम होके आ चुके हैं, तो यहाँ पर सामने कितने सारे स्टैचू हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, और इधर भी एक स्टैचू है। इधर मोमबत्ती मोमबत्ती लगा कर प्रेयर कर सकते हैं, यहाँ पर तो मोमबत्ती लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मोमबत्ती लगी हुई है, आप मोमबत्ती लगा कर मन्नत मांग सकते हैं, जो भी आप मन्नत मांगना चाहते हो। सामने देखिए आप जो है यहाँ पर धागा बांध कर कुछ भी अपनी मन्नत मांग सकते हैं, जैसे ये मांग रहे हैं बांध कर, तो मैंने भी मन्नत मांगी है जस्ट, और मोमबत्ती लगा कर आप यहाँ पर आके विश मांग सकते हो, वो ज़रूर पूरी होती है। ये देखिए मोमबत्ती लगी हुई है, और सामने आप विश मांग सकते हैं। नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1। सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हर तरह की स्टैचू है, नंबर 1 से स्टार्ट है, नंबर 20 तक खत्म है। इसका संदेश है ये सामने आप देख रहे हैं, स्वर्गदूत का संदेश। ठीक है गाइस, तो इधर देखिए प्रभु यीशु है। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए प्रभु यीशु का जन्म इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये प्रभु, तो यहाँ पर प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण, तो ये समर्पण हुआ था, समर्पण जो होता है, तो ये दिखाया गया है। उससे आगे चलोगे
बहुत सारी हैं यहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है कि ऐसी सारी हैं। देखो सारी ऐसी हैं, देखो पाया गया कि यीशु का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे अपनी जन्म में अपने अपनी जो जीवन कैसे अचीव करा, क्या क्या सब चीज़ दिखाई गई है। जन्म से लेकर एंड तक आपको सब कुछ दिखाया गया है, तो लास्ट में तक लेके चलते हैं आपको सीधा। अब भैया बोलेंगे, अब भैया और हमारे भैया बहुत जरूरी है, और मेरा भैया बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, और मेरे भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, अच्छा। आगे से आगे और शेयर करना, शेयर करना। बस ये बताइए जो इतनी सारी एक से लेकर 20 तक क्या मतलब है, ये कि ये जो यीशु हैं हमारे, उनका जन्म कैसे हुआ, इसमें बताया गया कि जब यीशु जी हुए हैं पैदा, जन्म कैसे हुआ, जन्म हुआ था तो उनको ना एक तरह खोर होती है उसमें लिटा दिया गया था, और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहा उनका बड़े होते गए। तो भैया एंड में वहां पर उसे दिखा देना आप, 20 पर सिखाएंगे हम आपको क्या है। तो उन्हें दिखाया गया जीवन कैसा था उनका, इन स्टैचू से बना के हमें बताया गया है, ठीक है। तो आए हैं पढ़ें और देखें, बहुत अच्छा है। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जो पीछे खड़ी है, देखिए हाय कर दीजिए। जी 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 ठीक है गाइस, तो चल रहे हैं अभी धीरे धीरे और आगे, पर बहुत मजा आ गया गाइस, मजा आ गया बिंदास। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम कोई हाथ करो बड़े से। तो गाइस आप देखिए कितना व्यू है, बहुत शानदार सुंदर, अति सुंदर। मैं इस टाइम आप वीडियो में देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं सामने से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा व्यू है। सो गाइस देखिए सबसे लास्ट वाला है ये 20, यहाँ पे स्वर्ग में मरिया का मुकुट पाना, तो ये दिखाया गया है यहाँ पर लास्ट है, ये 20 वाला है। बाकी चल रहे हैं और बहुत सारा बहुत बड़ा है ये, और तो यहाँ पे बैठ कर आप आराम से मतलब आराम बैठ सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं, बहुत शांति है यहाँ पर, और लोग दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए। और यहाँ पर ना आपको लेडीज़ के लिए फैसिलिटीज़ भी हैं, आप सोच भी बना रखा है, पानी वानी की व्यवस्था सब कुछ है यहाँ पर, और बहुत सुंदर यार, लाजवाब। लाइक कमेंट शेयर आप मुझे कर सकते हैं। अभी हमने इतने सारा व्यू दिखाया आपको, सब कुछ दिखाई, एक एक चीज़ दिखाई, अंदर थोड़े व्यू बनाना अलाउ नहीं था, तो अंदर बहुत अच्छा व्यू था, ठीक है। जहाँ पर लोग शादी वादी करते हैं वहाँ पर एक, ठीक है, तो मन्नत मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि परमिशन नहीं थी। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कैसे लगा आपको ये वीडियो और ब्लॉग कैसा था। कमेंट लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय, टाटा टेक केयर।